नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप 10 थाट हैं जो हमारे संगीत में आप याद कैसे रख सकते हैं, क्या तरीका है इनको याद रखने का। काफ़ी लोग हैं मेरे को पूछते रहते कि सर हम ऐसा तरीका बताइए कि 10 थाट हमें याद हो जाएँ। देखिए, जो लोग हारमोनियम सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, 10 थाट जब तक आपको नहीं बजाने आएंगे हारमोनियम पे, 10 थाट आपको गाने नहीं आएंगे, तब तक आप हारमोनियम बजाना नहीं सीख सकते, तब तक आप रागदारी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। आज मैं आपको पेपर पेन के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात है हमारे 10 थाट है। ठीक है, अभी इनको याद रखने का मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले हमें टोटल जान लिया कि हमारे 10 थाट हैं, और सबसे पहली जो चीज़ है कि एक थाट ऐसा थाट है जिसमें सारे ही स्वर शुद्ध लग रहे हैं, वो है बिलावल थाट। बिलावल थाट ये हमारा एक ऐसा एक अकेला थाट है जिसमें सारे ही स्वर शुद्ध लग रहे हैं। ठीक है, इसकी पहचान ये है। ठीक है, फिर दूसरा देखो, आप 10 में से अभी एक थाट तो गए, चलो अभी बचे हमारे 9 थाट। ठीक है, अभी 9 में से देखिए, 2 थाट ऐसे थाट है जिनमें खाली एक ही स्वर चेंज हो रहा है, एक ही स्वर चेंज हो रहा है। जो स्वर चेंज हो रहा है वो कौन से थाट है, खाली एक ही स्वर जो चेंज है, यहाँ पे मैं लिख रहता हूँ, जो स्वर चेंज हो रहा है, एक ही स्वर चेंज हो रहा है, ऐसे कौन से थाट, इससे 2 थाट है। दो 10 में से ऐसे 2 थाट हैं जिनमें 2 एक एक स्वर चेंज हो रहा है, वो एक जो थाट है हमारा कल्याण थाट, कल्याण। ठीक है, दूसरा जो थाट है हमारा खमाज थाट है। ये चीज अगर आप समझ गए ना, तो जिंदगी भर आप थाट नहीं भूलोगे कभी। ठीक है, फिर आगे आते हैं, ऐसे कौन से थाट हैं जिनमें 2 स्वर चेंज हो रहे हैं। अभी पहले हमने एक स्वर चेंज किया, अभी 2 स्वर चेंज करने हैं। ठीक है, एक तो है हमारा काफी थाट, फिर है हमारा भैरव थाट। ठीक है, ये है बिलावल थाट, एक ऐसा थाट है जिसमें कोई स्वर चेंज नहीं हो सकते, कोई स्वर चेंज नहीं, और उसमें सारी ही स्वर शुद्ध है, वो एक एकलौता थाट वही है बिलावल थाट। फिर उसके बाद आते हैं कि हमने वो थाट पकड़ा जिसमें एक स्वर चेंज हो रहा है, वो है कल्याण और खमाज। ठीक है, ये 2 थाट ऐसे थे थाट है जिनमें एक ही स्वर बदलाव हो रहे हैं। फिर हमने देखा कि 2 थाट ऐसे कौन से ऐसे थाट हैं जिनमें 2 स्वर चेंज हो रहे हैं, वो है काफी थाट और भैरव थाट। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन से इसमें एक और थाट बाकी है, सॉरी मेरे दिमाग में भी आया, इसमें एक आता है मारवा थाट। मारवा थाट में ऐसा थाट है जिसमें 2 स्वर चेंज हो रहे हैं, ये 3 थाट ऐसे जिनमें 2-2 स्वर चेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अगले थाट, कौन से ऐसे थाट है जिनमें 3 स्वर बदलाव किए जा रहे हैं, 3 स्वर चेंज हो रहे हैं, वो है एक हमारा आशावरी। सबसे पहला थाट है आशावरी, आशावरी थाट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो अगला थाट है वो है पूर्वी थाट। ठीक है, पहले आशावरी थाट है, फिर पूर्वी थाट है, फिर उसके बाद अगला थाट कौन सा है, तो अगला थाट कोई भी नहीं बचता, सिर्फ ये 2 थाट ऐसे थाट है जिनमें 3-3 स्वर चेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगला पकड़ेंगे कौन से ऐसे थाट जिनमें 4 स्वर बदलाव किए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला थाट आता है भैरवी, भैरवी थाट ऐसा थाट है जिसमें 4 स्वर बदले जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला थाट आता है तौड़ी थाट, इसमें भी टोटल 4 स्वर बदले गए हैं। ठीक है, अभी आप गिनते, अभी हम गिनते हैं ये टोटल कितने था। सबसे पहला थाट एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल हमारे 10 थाट कंप्लीट हो गए। ठीक है, सबसे पहले क्या मैंने कहा कि 10 थाट है हमारे, फिर 10 में से सिर्फ एक एकलौता थाट वही है, वो है बिलावल थाट जिसमें सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं, बाकी सब में चेंज हो रहे हैं, किसी थाट में एक स्वर चेंज हो रहा है,
जिसमें एक चेंज हो रहा वो है कल्याण थाट और खमास थाट। फिर कौन से ऐसे दो थाट है जिनमें जो थाट है जिनमें दो दो स्वर चेंज हो रही है, काफी, भैरव और मारवा। फिर तीन स्वर किसमें चेंज हो रहे हैं, आसावरी और पूर्वी में, और चार स्वर किसमें चेंज हो रहे हैं, भैरवी और थाट। सबसे पहले याद रखने वाली ये चीज़ है, सबसे पहले जब अगर आप थाट समझना चाहते हैं या याद रखना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी होगी। ये चीज़ अगर याद रख ली तो आगे चल के थाट याद रखने बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कौन सा ऐसा थाट है जिसमें कोई स्वर नहीं चेंज हो रहा, वो है बिलावल थाट। फिर कौन सा ऐसा थाट है जिसमें एक एक स्वर बदलाव किया जा रहा, वो है कल्याण और कमाज। फिर कौन सा ऐसा थाट है जिसमें दो दो स्वर बदले जा रहे, फिर तीन तीन, फिर तीन तीन, चार चार, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अभी समझते हैं इन थाटों। तो सबसे पहले जो हमारा थाट था बिलावल थाट, बिलावल लिखेंगे हम, ठीक है। बिलावल थाट में कोई स्वर नहीं चेंज हो रहा, इसके सिंपल आरो अवरोह ऐसे लेगा, सा रे गा मा पा धा नी और सा, तार सप्तक। ये इसका आरोह, अभी इसका आरोह मैं लिख देता हूँ, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। पहला थाट कंफर्म हो गया हमारा। अभी फिर कौन से ऐसे थाट है जिनमें एक एक स्वर चेंज हो रहा, वो सबसे पहले हम कल्याण पकड़ते हैं, कल्याण थाट को पकड़ते हैं। अभी आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट ऐसा थाट जिसमें एक ही स्वर चेंज हो रहा है, वो है हमारा मा तीव्र, यानी कि शुद्ध मा की जगह मा तीव्र कर देंगे, सा शुद्ध रे शुद्ध गा तीव्र मा पा शुद्ध धा शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। अवरोह इसका ऐसे ही आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, तार सप्तक का सा शुद्ध नी शुद्ध धा पा मा तीव्र गा रे सा। अभी देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे मा तीव्र, इसमें खाली एक स्वर जो चेंज हो रहा है वो है मा तीव्र बस, ठीक है। फिर उसके बाद अगला थाट कौन सा है, खमास थाट। अभी खमास के बारे में जानते हैं। अभी खमाज में एक जो स्वर चेंज होगा वो है हमारा कोमल नी लगे, शुद्ध नी की जगह हम हटा के कोमल नी कर देंगे। तो अभी इसका आरोह देखते हैं, सा रे गा मा पा धा कोमल नी और तार सप्तक का सा। ये मैं आपको सारे बताऊंगा कैसे है, ठीक है। आप समझ लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए इस चीज़ को, समझ लीजिए, फिर इसका अवरोह उल्टा कर देंगे, सा कोमल नी धा पा मा गा रे सा। अभी ये भी हो गया, अभी यहाँ पे लिख देंगे, इसमें जो स्वर चेंज हुआ वो है शुद्ध नी की जगह हटा के हमने कोमल नी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सारे शुद्ध कर दिए, कल्याण में मा तीव्र चेंज हो, खमाज में नी चेंज हो। अभी बात आती फिर कौन से जो जो थाट जिनमें दो दो स्वर चेंज हो, उसमें बात आती काफी की, बात काफी, काफी में दो स्वर चेंज हो रहे। दो स्वर कौन से चेंज हो रहे, एक हो रहा है शुद्ध गा की जगह हम हटा के कोमल नी लगाएं, कोमल गा लगाएंगे, शुद्ध नी की जगह हम कोमल नी लगाएंगे। देखिए सा शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध मा पा शुद्ध धा कोमल नी और तार सप्तक का सा, ये इसका आरोह है। अभी उल्टा कर देंगे इसको, सा कोमल नी धा पा मा कोमल गा रे सा, ये है हमारा काफी था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भैरव थाट। अभी भैरव थाट लिखेंगे, भैरव में दो स्वर चेंज होते हैं, कौन से स्वर चेंज होते हैं, एक होता है शुद्ध रे की जगह कोमल रे लग जाता है और शुद्ध धा की जगह कोमल धा। अभी लिख लेते हैं, सा कोमल रे शुद्ध गा मा पा कोमल धा शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। अभी इसको उल्टा कर देंगे, अब इसका हो जाएगा, सा शुद्ध नी कोमल धा पा मा शुद्ध गा कोमल रे और तार सप्तक, सॉरी शुद्ध नॉर्मल सा। फिर उसके बाद अगला जो थाट है, काफी के बाद भैरव हो गया, अभी आता है मारवा थाट। मारवा थाट, इस थाट में भी हमारे दो स्वर बदले जा रहे हैं, वो कौन से है, इस थाट में हम शुद्ध रे की जगह कोमल रे लगाएंगे और शुद्ध मा की जगह तीव्र मा। अभी इसको देखते हैं, सा कोमल रे शुद्ध गा, अभी शुद्ध मा की जगह हमें तीव्र मा करना है, तो ये लिख लेंगे तीव्र मा पा शुद्ध धा को शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। अभी इसको अवरोह देखते हैं, तार सप्तक का सा नी धा पा तीव्र मा गा कोमल रे और सा। यहाँ पे भी लिख लीजिए आप, भले देखिए यहाँ पे काफी में दो सौ चेंज हुए थे, एक तो गा कोमल और एक नी कोमल, ठीक है। भैरव में कौन से चेंज हुए थे, एक तो इसमें रे कोमल था और एक धा कोमल था, और मारवा में कौन सा था,
रे कोमल था और माँ तीवर था। ठीक है, बात फाइनल। अभी तीन तीन जो वो थाट जिनमें तीन तीन स्वर चेंज हो रहा है, उसके बाद आता है आसावरी थाट। आसावरी इसमें तीन स्वर चेंज हो रहे हैं, कौन से? एक तो शुद्ध रे की जगह कोमरेल, सॉरी शुद्ध गा की जगह कोमल गा लगेगा, शुद्ध धा की जगह कोमल धा लगेगा, और शुद्ध नी की जगह कोमल नी लगेगा। तो सा शुद्ध रे कोमल गा, मा पा कोमल धा कोमल नी, और तार सप्ता का सा। अभी इसको अवरोह उल्टा कर देंगे, सा कोमल नी कोमल धा पा मा कोमल गा रे और सा, यह अभी आसावरी हो गया। उसके बाद हमारा आता है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में क्या है, पूर्वी थाट में हम तीन स्वर चेंज करेंगे, शुद्ध रे की जगह कोमल रे लगा देंगे, शुद्ध धा की जगह कोमल धा लगा देंगे, शुद्ध मा की जगह तीव्र मा लगा देंगे। देखिए सा कोमल रे, शुद्ध गा तीव्र मा, पा कोमल धा, और हमारे देखो तीन स्वर चेंज हो गए। अभी तार सप्तक का सा, अभी इसको उल्टा कर देंगे, तार सप्तक का सा और यहाँ पे नी स्किप हो गया, शुद्ध नी कोमल धा पा तीव्र मा शुद्ध गा कोमल रे और सा। ठीक है, उसके बाद आते हमारा भैरवी थाट जिसमें चार स्वर चेंज हो रहे हैं। भैरवी थाट ऐसा थाट है जिसमें चार स्वर चेंज हो रहे हैं। इसमें चार स्वर कौन से चेंज हो रहे हैं, शुद्ध रे की जगह कोमल गा लगेगा, और शुद्ध गा की जगह कोमल गा, और शुद्ध रे की जगह कोमल रे, और शुद्ध धा की जगह कोमल धा, और शुद्ध नी की जगह कोमल नी। देखिए अभी सा कोमल रे कोमल गा, मा पा कोमल धा कोमल नी, और तार सप्तक का सा। अब इसको उल्टा कर दीजिए आप लोग, सा कोमल नी कोमल धा पा मा कोमल गा कोमल रे और तार सप्तक, सॉरी नॉर्मल सा। उसके बाद हमारा सिर्फ एक ही थाट बचता है, वो है तौड़ी थाट, वो भी लिख लेते हैं। अभी तौड़ी थाट में भी हमारे चार स्वर चेंज हो रहे हैं। सा शुद्ध रे की जगह कोमल रे लगेगा, शुद्ध गा की जगह कोमल गा लगेगा, शुद्ध मा वैसे ही रहेगा, पा वैसे ही रहेगा, शुद्ध धा की जगह हम कोमल धा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी शुद्ध मा की जगह तीव्र मा आना था, और शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। फिर यहाँ पे तार सप्तक का सा, शुद्ध नी कोमल धा पा तीव्र मा कोमल गा कोमल रे और सा, ये हैं हमारे 10 थाट। ठीक है, आप इनको ऐसे बजाना सीख सकते हैं। अभी इनको बजाना कैसे, जैसे हमारा पहले सबसे पहला थाट है बिलावल थाट, आप समझ लीजिए सबसे पहला बिलावल थाट जिसमें सारे ही स्वर शुद्ध लग रहे हैं। तो अभी इसमें क्या है, सारे गाँव पाधनी सा सानी धपा मागरे सा, अभी इसको बजाना है यहाँ से पहली काली से। कैसे बजाना है, सारे गामा पाधनी सा सानी धपा मागरे सा। अभी जो अलंकार हैं, जितने भी अलंकार आपके पास हैं, अगर आपके पास अलंकार नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको अलंकार मिल जाएंगे। और मेरे पहले जो मैंने वीडियोस डाले उनमें भी मैंने बहुत सारे अलंकार बताए, वो अलंकार आपको पहली काली से ये बिलावल थाट में बजाने हैं सारे हैं सारे। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरा थाट आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट में क्या है, शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ लगाना है, और फिर हम इसी को कल्याण थाट को बजाएंगे। कैसे, देखिए अभी देखिए, ये शुद्ध माँ की जगह मैंने तीव्र माँ कर दी, सा रे शुद्ध गा तीव्र माँ पा धा नी सा। अभी देखिए, अभी वही अलंकार आपको इसमें बजाने हैं, फिर ऐसे इसमें बजाने, ये 10 थाट आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, ये करने के बाद आपको 10 थाट अच्छे से याद हो जाएंगे। तरीका यही है याद करने का, और कोई दुनिया में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान तरीका नहीं है। बस पहले समझ लीजिए, ये समझो कि हमारे 10 थाट है, 10 थाट में से कौन से थाट में कौन से स्वर लग रहे हैं, बस ये चीज़ जाननी है, और कितने स्वर बदल रहे हैं। अभी जैसे बिलावल में कोई स्वर चेंज नहीं हो रहा, सारे शुद्ध हो रहे हैं। फिर कल्याण थाट एक ऐसा थाट जिसमें एक ही स्वर बदला जा रहा है, खमाज थाट एक ऐसा ही थाट जिसमें एक ही स्वर बदला जा रहा है। ऐसी चीज़ों की पहचान करना शुरू करोगे तो जल्दी सीख जाओगे, अगर उलझे रहोगे तो उलझे ही रहोगे। इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये तरीका आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, अगर कोई बता रहा है तो उसको समझना चाहिए और उसको हम सीखना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो धन्यवाद।